नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन। जानवरों के उपद्रव से परेशान किसानों ने लगभग 50 गायों को किया स्कूल में बंद। आपको बता दें कि इस सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम आधा चाट में आवारा पशु किसानों की कई महीनों से फसलें बर्बाद कर रहे हैं तथा रात दिन खेतों में रहकर फसलों को मचाने में लगे हैं। गाँव वालों का कहना है कि मजबूरन आवारा पशुओं को सचिवालय में बंद किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार किसान अपने खेत से जानवरों को भगाने जाते हैं तो कुछ जानवर उन्हें दौड़ा लेते हैं। कई बार जानवर कई किसानों को चोटिल कर चुके हैं, इसलिए किसानों से परेशान कर ऐसा कदम उठाया है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। ये ग्राम पंचायत कौन सी? आधा जाट। विधानसभा? लखीमपुर की। 142 जी। हाँ, 142। तो ये आपने जो आपके वहाँ जो गांव में स्कूल बना, इसमें जो बंद किया गया, क्या कारण है? कारण यही है कि जानवर जो है ये जो बंद किए गए हैं खेतों में बहुत नुकसान करते हैं और 3-4 फाड़ ऐसे हैं जो खेत वाले जाते हैं भगाने के लिए, उनको मारते हैं, दौड़ते हैं। बच्चे बूढ़ों को 1-2 को 3-4 लोगों को घायल कर भी कर दिया है और इसीलिए गांव वालों मिलके 2-4 गांव वाले इनको स्कूल में बंद किया है। कोई और जहां पे बंद करने का यहां पे कोई वो सुविधा नहीं है, इसलिए स्कूल में बंद किया गया है। अब आगे छोड़ने के लिए आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अभी कोई लिखित में दिया नहीं गया है, इसलिए स्कूल में बंद रहे। खाने पीने की व्यवस्था गाँव वाले करा रहे हैं। इसकी सूचना किसको किसको दी, किसी को दी है? इसकी सूचना ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को दी गई थी। वो कह रहा था पकड़ो, हम आगे कहीं बंद करवा देंगे। सेक्रेटरी ने कहा था कि? हाँ, कहा था और लिख के दिया है उन्होंने। और किससे संपर्क किया? और वीडियो आपसे क्या कहा गया था, वो भी कह रहे थे ठीक है हम इसको किसी जाते में बंद करवा देंगे। अब वो मना कर रहे हैं। अच्छा, मना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उनको छोड़ दो। अच्छा, तो इसके बाद और किसी संपर्क नहीं किया? अभी तो नहीं किया है फिलहाल, लेकिन अब गांव वाले कहीं ना कहीं जाएंगे। आपके ग्राम प्रधान जी ने क्या बताया? वो तो कह रहे हैं इनको छोड़ दो या बाग में बांध दो। अच्छा,